C2, C3, C4. Or if you see the order is decreasing order of concentration. Or if I say volume V1, V2, V3, V4, या फिर increasing order of volume, because volume and concentration are inversely proportional, right? Because C is equal to N upon V, बराबर ना? Okay, तो आप देख सकते हो lambda one पहले speaker का lambda one, दूसरे कर में lambda two, lambda three, lambda four, molar conductivity. So as volume goes on increasing, every concentration goes on decreasing, lambda also goes on increasing. So lambda one से ज़्यादा lambda two, lambda three and lambda four like that. So this is order. So lambda is directly proportional to volume. अगर volume बढ़ता है तो lambda भी बढ़ता है ठीक है. And lambda is inversely proportional to concentration. Concentration बढ़ता है तो lambda कम होता है, बराबर है? Okay. अगला हमने जो study किया lambda for strong and weak electrolyte, तो lambda versus root C. ये ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कुछ ऐसा आता है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे, ये लैम्बडा का वैल्यू है. तो दिस इज ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. एंड इफ आई एक्सट्रापोलेट दिस ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, हम लोग वाई एक्सिस पे ग्राफ को खींच लेते हैं, तो यहाँ पे मिलता है आपको उसका लिमिटिंग वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू लैम्बडा जीरो. इसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव लैम्बडा जीरो इसको ऐसा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. उसके और दो नाम है वो बता दो आपको, और दो नाम है उसके, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर और एक नाम है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन. तीनों नाम एक ही चीज के. हेलो सर. हाँ बोलो. सर एक डाउट था. बोलो. सर यहाँ पर आपने लिखा है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन. सर ये तो कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो. तो सर फिर भी वो कितना सकता है 0.001? कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता. देखो वो हम लोग फाइंड कर ही नहीं सकते ना प्रैक्टिकली. हाँ तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को हम लोग किसको फाइंड कर सकते, ग्राफिकली फाइंड करते हैं, राइट उसको. हाँ तो ग्राफ एक्सटेंड करके जहाँ पे कट होगा वो होगा. तो अभी वो हमें एक्चुअल वैल्यू मालूम है ही नहीं कितना, मतलब एग्जैक्टली कितना, समझा? हाँ तो ग्राफ से ही पता चलता है, वो ग्राफ जहाँ पे टच हुआ वो अपना वैल्यू, तो वो कितना कॉन्सेंट्रेशन हुआ कितना वॉल्यूम हुआ वी डोंट नो दैट एग्जैक्टली, समझे? इसलिए तो ग्राफ का हेल्प लेना पड़ता है. क्लियर है? हाँ सर, थैंक यू सर. हाँ ओके. क्लास ये ग्राफ हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. तो अगर वही इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, राइट? एंड इट बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस. ये वीक का ग्राफ है. तो वीक का ग्राफ अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम क्या, हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड नहीं कर सकते, बराबर है? नहीं कर सकते ना. हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं. तो देखो मेथड क्या है, तो उसके लिए यूज करते हैं कॉलर्स लॉ. तो लेट मी एक्सप्लेन यू कॉलर्स लॉ क्या होता है. तो क्लास देखो लैम्बडा और लैम्बडा जीरो में डिफरेंस क्या है, बोलो. दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन. वेरी गुड. एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है? यस सर. और ये एट मोलर कंसंट्रेशन. हाँ कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो. जीरो, बराबर है? जीरो. हाँ तो क्लास इसके बाद मोलर, इससे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ सकता, ये मैक्सिमम वैल्यू. इससे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ नहीं सकता, राइट? दिस इज मैक्सिमम वैल्यू. तो जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाओगे लैम्बडा बढ़ जाएगा, और एक टाइम ऐसा होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और उसके बाद लैम्बडा चेंज नहीं होगा. तो जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज कॉल्ड लैम्बडा जीरो. बराबर है सब लोग? क्लियर है? यस सर. ओके. तो क्लास अभी वीक के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए तो एकदम ईजी है. क्या करोगे आप, पांच बिकर लोगे, बिकर वन, बिकर टू, बिकर थ्री, बिकर फोर, पांच अलग अलग कॉन्सेंट का सोल्यूशन बनाओगे, सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फोर, बराबर है? ओके. सबका लैम्बडा फाइंड करोगे, लैम्बडा वन, लैम्बडा टू, लैम्बडा थ्री, लैम्बडा फोर, एक्सेट्रा. और बाद में ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ को स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और स्ट्रेट लाइन को आप स्केल से खींच लोगे कहाँ पे, स्केल से खींच लोगे कहाँ पे खींचोगे ग्राफ को, वाई एक्सिस पर, बराबर है? जहाँ पे वाई एक्सिस पे खींचोगे तो आपको क्या मिलेगा, लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा, बराबर ना? स्ट्रॉन्ग के लिए. पर वीक के लिए ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वीक का ग्राफ बाद में क्या होता है, पैरेलल हो जाता है. और वीक का लैम्बडा बढ़ने का रीजन अलग है, स्ट्रॉन्ग का रीजन अलग है, हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. तो उसके लिए करें क्या, तो क्लास में आपको बता दो कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास है
CH3 COH एसिडिक एसिड राइट. स्ट्रॉन्ग है वीक है? एनीबडी ये स्ट्रॉन्ग है वीक है? मेरा आवाज आ रहा है शायद? वीक है. वीक है ना, वीक लिक्विड है. हां तो मुझे क्या फाइंड करना है उसका लैम्डा जीरो फाइंड करना है. उसका लिमिटिंग वैल्यू CH3 COH का मुझे लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है. तो हम लोग अगर क्या करेंगे, एसिडिक एसिड लेंगे, बीकर वन बीकर टू बीकर थ्री बीकर फोर और ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ आपको मालूम है वो रेड कलर का ग्राफ है राइट. तो ग्राफिकल मेथड से वो तो फाइंड करना पॉसिबल है ही नहीं, बराबर ना? हाँ सर. तो हमें कोई और मेथड चाहिए, तो हम लोग देखते हैं कोई और मेथड. तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डायरेक्ट नहीं फाइंड करेंगे, बताओ हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड करेंगे. बता दो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग. तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे लैम्डा जीरो. व्हाट इज लैम्डा जीरो मींस? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग से मोलर नहीं लिमिटिंग वैल्यू. हम लोग फाइंड करेंगे CH3COONA का, इसका नाम है सोडियम एसिटेट एंड सोडियम एसिटेट इज अ CH3 इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है. ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ये सॉल्ट है, सोडियम एसिटेट सॉल्ट है राइट. अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन बनाओगे सॉल्ट के, कॉन्सेंट्रेशन वन कॉन्सेंट्रेशन टू कॉन्सेंट्रेशन थ्री कॉन्सेंट्रेशन फोर राइट. इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, एग्री? यस सर. सॉल्ट ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो ग्राफ किधर ना किधर मिलेगा एक वाई एक्सिस पे. तो हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी लैम्डा जीरो ऑफ सॉल्ट राइट, किसका, CH3COONA, बराबर है? ओके फिर हम लैम्डा जीरो फाइंड करेंगे HCl का. क्या HCl स्ट्रांग है, वीक एसिड है? स्ट्रांग तो हम HCl का लैम्डा फाइंड करेंगे. हम जो ग्राफिकली फाइंड कर सकते हैं हम लोग इसको? हाँ सर. स्ट्रांग है तो स्ट्रांग का ग्राफ प्लॉट करें तो हम जो HCl का ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, ये ग्राफ किधर तो इधर मीट करेगा राइट, यहाँ पे तो HCl के लिए मिल जाएगा आपको, बराबर है? हाँ सर. आपको HCl का हमें लैम्डा जीरो CH3COONA का मिला, हमें लैम्डा जीरो HCl का मिला, बराबर है, बाय प्लॉटिंग द ग्राफ. ठीक है फिर क्लास हम लोग लैम्डा जीरो फाइंड करेंगे. मुझे बताओ सी एच आपको किसका वैल्यू चाहिए पहले बताओ, आपको वैल्यू किसका चाहिए, CH3COH का, बराबर है? यस. आपको ये वीक है, इसका फाइंड करना डायरेक्टली पसंद, हम लोग इनडायरेक्टली करेंगे. तो मैं CH3COH का चाहिए, तो मुझे बताओ CH3COH में हमारे पास CH3CO- आयंस राइट, एंड कटायन कौन सा है? H+ है. H+ तो मुझे बताओ यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रॉन ले तीन उसमें CH3CO किसमें है क्या? क्या नहीं चाहिए इन दोनों में से? सोडियम और CH. सोडियम और क्लोराइड नहीं चाहिए ना तुम लोग, एग्री? yes. आपको सोडियम चाहिए ना आपको क्लोरीन चाहिए राइट. तो हम लोग तीसरा इलेक्ट्रॉन लेंगे स्ट्रॉन्ग जिसमें दोनों भी होंगे, Na भी होगा और Cl भी होगा राइट, NaCl. NaCl हाँ, हम दोनों ऐड करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे अपने आप क्या हो जाएगा बोलो, Na+ कैंसिल हो जाएगा, CL-Cl- कैंसिल. तो आपको किसका लैम्डा जीरो मिलेगा? आपको लैम्डा जीरो मिलेगा CH3COH. COH मिल गया आपको इनडायरेक्टली, आर यू क्लियर? हेलो सर. हाँ बोलो सर. वो सब्ट्रैक्ट करने का फिजिकल मीनिंग क्या होगा? मैं इसका रीजन बताता हूँ. हाँ तो वही तो कोहलर्स लॉ है, बताता हूँ. एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम्हें मैं, अगर मैं तो मेरे पास लैम्डा जीरो है NaCl का, तो मुझे तो लैम्डा जीरो NaCl का मतलब क्या, कंडक्टिविटी ऑफ कटायंस, देखो टोटल कंडक्टिविटी किसका होगा, कटायंस का और आयंस का राइट. हाँ तो लैम्डा जीरो ऑफ Na+ बराबर है प्लस लैम्डा जीरो ऑफ Cl- बराबर ना? यस सर. इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी किसका होगा, उसका कटायन का कंडक्टिविटी प्लस आयन का कंडक्टिविटी, एग्री? यस. समझो इसका वैल्यू 400 है, NaCl का कितना 400 बराबर है, Na+ का समझो है 350 और Cl- का कितना है समझो 50 है. 50. तो टोटल कितना हो गया 50+350 400. तो जो लिमिटिंग कंडक्टेंस NaCl का है उसमें से कुछ पार्ट Na की वजह से कुछ पार्ट Cl की वजह से, एग्री? yes. तो Na कंट्रीब्यूट कर रहा 350, Cl कंट्रीब्यूट कर रहा 50. ठीक है अभी दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, लैम्डा जीरो ऑफ KCl है 300, कितना है 300.
तो उसमें से कुछ किसका होगा, के प्लस का होगा राइट, और कुछ किसका होगा, सीएल माइनस का होगा ना। इफ ऐसे के प्लस का है 250, सीएल का कितना है 50 क्यों बचा हुआ है ना, 300 होगा फिर। हाँ हाँ 300 कैसे होगा रे, 250 प्लस 50 300 होगा ना। हाँ हाँ तो 50 बोलो, 50 सीएल का 50 होगा ना। हाँ सर। हाँ तो मेरा क्वेश्चन इज सीएल का यहाँ पे ऊपर वैल्यू भी 50 राइट, हाँ नीचे वैल्यू भी 50 क्यों, क्योंकि जब सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूट होगा राइट, जब सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूट होगा तो उसके साथ दूसरा आयन कौन सा है उसको फर्क नहीं पड़ेगा राइट, तो सीएल के साथ एन ए प्लस है या सीएल के साथ K प्लस है, सीएल का क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आर यू क्लियर? नहीं सर, ये पॉइंट नहीं समझा। बोलो, समझाता हूं। अभी NaCl में सीएल के साथ कौन प्रेजेंट है, Na प्लस है राइट, हेलो यस सर। और KCl में सीएल के साथ कौन प्रेजेंट है, K प्लस है ना। तो NaCl में सीएल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है बोलो, 50 और KCl में 50 KCl में 50 50 तो क्लास Cl कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है NaCl में या KCl में, क्या वो डिपेंड है उसके साथ कौन सा दूसरा आयन प्रेजेंट है। Cl कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, किधर भी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या वो उसके साथ दूसरा कौन सा आयन उसके डिपेंड है या नहीं है। नहीं सर, सेम है, इसलिए डिपेंड नहीं, सेम है दोनों सेम। Cl के साथ Na प्लस प्रेजेंट हो या Cl के साथ K प्लस प्रेजेंट हो, सीएल के साथ एन ए प्लस प्रेजेंट हो या सीएल के साथ के प्लस प्रेजेंट हो, सीएल का कंट्रीब्यूशन तो उतना ही रह रहा है। क्लास बोलो कुछ तो। हाँ यस सर। तो सीएल के साथ एन ए प्लस हो या सीएल के साथ के प्लस हो, सीएल का कंट्रीब्यूशन तो चेंज नहीं हो रहा, सीएल तो 50 कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो किसी के साथ भी हो, हाँ या ना। हाँ तो ये पॉसिबल क्यों है, बिकॉज इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आयन कैसे मूव करता है, इनडिपेंडेंट राइट, तो उसका उसके बाजू वाले आयन के ऊपर डिपेंड नहीं होता, उसका स्पिन उसके बाजू लाइन के ऊपर डिपेंड नहीं होता। क्लास हम यहां पे, हां तो हम लोग यहां पे Na+ Na+ को कैंसिल क्यों कर पाए, क्योंकि NaC Na CH3COH के साथ हो या Na NaCl के साथ हो, Na का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा, 350 सेम होगा ना, सेम होगा ना। तो अगर सेम वैल्यू है समझो, 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। हां हां, बताओ Cl HCl के साथ हो या NaCl के साथ हो, फर्क पड़ने वाला है नहीं, नहीं सेम होगा, उसका कंट्रीब्यूशन फिक्स रहेगा। तो Cl 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल कर सकते हैं। हां हां सर, मुझे बताओ सॉल्यूशन बचेगा क्या, फिर कौन से आयन बचेंगे सॉल्यूशन में कैंसिल होने के बाद, CH3CO माइनस और H+ H+। तो क्लास क्या तुम्हें CH3CO माइनस H+ का एक मिनट सॉरी CH3COO माइनस का और H+ का तुम लोग कंटेंट ऐड करोगे तो तुम्हें CH3COH का मिलेगा नहीं मिलेगा। हां यस मिलेगा, मिल गया, समझा सब लोग को। थोड़ा डिफिकल्ट है पर क्लास में कोशिश करो आपको समझा ये सब चीजें, आपको अभी भी डिफिकल्ट है तो बोलो, मैं किसी और तरीके से समझाता हूँ। यस स्टूडेंट्स, हर बार सीएल का 50 थोड़ी रहेगा। हाँ हर बार 50 रहेगा, अगर वो डाइल्यूट कहाँ पे रहेगा, वो अगर इनफाइनाइट डाइल्यूट होगा तो, वही तो लॉ बोल रहा है। सीएल किसके साथ भी हो, NaCl के साथ हो, सीएल NaCl में हो, KCl में हो या फिर किसी भी के साथ हो, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो सीएल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिक्स रहेगा, 50 ही रहेगा, वो तो लिखा है हम लोगों ने 50 हर बार। हेलो। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। वही तो लॉ है, लॉ वही तो बताता है क्यों, क्योंकि आयन इनफाइनाइट डाइल्यूशन हर एक आयन कैसे मूव करता है, इंडिपेंडेंटली मूव करता है, इंडिपेंडेंट मूव करता है, दूसरे उसका स्पीड दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। तो मुझे तो अगर इंडिपेंडेंट मूव कर रहा है तो उसका हमेशा वैल्यू क्या मिलेगा तुम्हें, सेम मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, सेम मिलेगा। तो क्लास कॉलर्स लॉ का स्टेटमेंट है टेक्स्ट बुक का, लिख लेते हैं, अभी स्पेलिंग बता लिख रहा हूं मैं। कॉलर्स लॉ, प्लस स्क्रीन लैग नहीं कर रहा ना? नहीं सर। नहीं सर। तो लॉ स्टेट्स दैट, तो लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्लास अट्रैक्शन होता नहीं होता आयंस के बीच में? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होता, वेरी गुड, कटाना ना इंटरैक्ट करते नहीं, ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंट राइट ऑफ यस
इट्स कोआयन. इसका मतलब होता है मुझे तो NaCl में Na का कोआयन कौन है? NaCl में Na का कोआयन Na का Cl है. और KCl में K का कोआयन में K प्लस है, राइट? Cl का कोआयन KCl में K प्लस है. K प्लस और NaCl में NaCl में Cl का कोआयन Na प्लस है, बराबर है? तो Cl Na से तो Cl Na के साथ हो या K से K के साथ हो, Cl को फर्क नहीं पड़ता. नहीं पड़ता है. एंड एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू टोटल मोलर कंडक्टिविटी. अब टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl लैम्डा जीरो ऑफ Na प्लस और लैम्डा जीरो ऑफ NaCl. NaCl 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 का 400 ना? हाँ 400. हाँ इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl का मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. बराबर है? इंडिपेंडेंट ऑफ बोलो नेचर ऑफ इसका नेचर इंटरनल नेचर ऑफ नेचर ऑफ देयर कोआयंस. बराबर? विथ विच विथ विच इट इज associated, ठीक है? नेचर ऑफ कोआयन इज एसोसिएटेड. NaCl का कितना है कंडक्टिविटी? 400, राइट? तो उसमें Cl का कंट्रीब्यूशन 50 है. KCl का कितना है? 300 है. उसमें भी Cl का कंट्रीब्यूशन 50 है. तो NaCl में जो कंट्रीब्यूशन है Cl का और KCl में जो कंट्रीब्यूशन Cl का, वो क्या है? सेम या डिफरेंट है? सेम. क्यों? बिकॉज़ वो इंडिपेंडेंट मूव कर रहा है. उसका कंट्रीब्यूशन ना Na के ऊपर डिपेंड है ना Cl के, ना K के ऊपर डिपेंड है Cl का कंट्रीब्यूशन दोनों केस में. Are you clear? Uh-huh. So this law is called as what? Collins law of independent migration of ions. And this completed your chapter electrochemistry. Okay, students. Hello, sir. हाँ बोलो. Sir. Hello, बोलो. Sir. हाँ sir, आपने कहा था कि वो हम लोग को बताओगे active electrode. Second lecture में कहा था sir आपने. Active electrode हम इसमें J में करेंगे active electrodes. J में. हाँ J में, क्योंकि अपने syllabus में है ही नहीं, mains में भी नहीं active electrodes. पेपर टू है ये. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ओके तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ. तो हम लोग पहले देखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट क्या होते हैं देखते हैं हम लोग. कभी साम सुना डबल सॉल्ट स्कूल में? नहीं. ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोग को. तो मेरे पास एक सॉल्ट है. ओके, सॉलिड स्टेट हो गया आपको? सॉलिड स्टेट हाँ सर हुआ है. सॉलिड हाँ तो चला KCl MgCl2 6H2. मेरे पास एक कंपाउंड है KCl.MgCl2.6H2. एक पूरा क्रिस्टल है. इसका नाम है कार्नलाइट. ठीक है, ये क्रिस्टल है KCl MgCl2.6H2O. तो क्लास इस ये एक सिंगल कंपाउंड क्रिस्टलाइज हुआ है. मुझे बताओ इस क्रिस्टल में कितने सॉल्ट प्रेजेंट है? एक ही सॉल्ट प्रेजेंट है, एक से ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है? एक से ज्यादा. कौन सा नाम बोलो सॉल्ट के? KCl और एक MgCl. KCl तो बड़ा और वाटर बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, तो वो सॉल्ट नहीं है. ठीक है, तो KCl MgCl तो प्लस इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एनी गेसेस? डिसोसिएशन रिएक्शन होगा. क्या रिएक्शन? सर स्प्लिट हो जाएगा. हाँ स्प्लिट. हाँ बोलो कैसे? बताओ क्या क्या आंसर मिलेगा. K प्लस मिलेंगे आपको. K प्लस प्लस Cl माइनस हम लोग यहाँ पे इस सॉल्ट में यहाँ पे जो कंपाउंड है हमारे पास
क्या उसमें सबके सब आयन डिसोल्व हो गए रे हो गए? सॉल्ट में जितने भी आयन से कटन आयन सबके सब डिसोल्व हो गए कि नहीं हो गए? हां सर यार ना सबके सब डिसोल्व हो गए राइट। हां अगला माय क्वेश्चन इज इस सॉल्ट में क्या एक से ज्यादा कटन आयन है? कटन या तो आयन एक से ज्यादा है? हां सर। हां कौन सा इस सॉल्ट में क्या ज्यादा है? कटन ज्यादा है एक से। कटन एक से ज्यादा कटन है k + mg + 2 राइट। हां तो क्लास ऐसे सॉल्ट को बोलते हम लोग डबल सॉल्ट। क्या बोलते इसको? डबल सॉल्ट। तो अपने टेक्स्ट बुक में इसका डेफिनेशन लिखा नहीं है, आप लिखो मेरे साथ, लिखोगे? यस सर। हां लिखो। अ सॉल्ट दैट क्रिस्टलाइजेस एज single substance but ionizes as two distinct salts when dissolved in water. Okay, we call such salt as a double salt. Plus, यहाँ पे आपको ये KCl Mg6H2O it appears like a single crystal. आपको ये single crystal जैसा लगेगा, पर अगर इसको पानी में डालोगे तो that will give you two different salt, KCl and MgCl2. दोनों salt अलग अलग क्या होंगे? Crystal होंगे. तो KCl will give K plus and Cl minus, MgCl2 gives you Mg plus 2 and 2 Cl minus. So it is all in water, right? Yes. Plus, सबसे important salt का नाम करना light है क्या? हाँ, salt का नाम करना light है. Salt का नाम. मैं और एक दूंगा आपको example. डबल सॉल्ट ये सबसे इजी सॉल्ट है, डबल सॉल्ट याद रखने के लिए इसलिए नाम दिया तुमने। डबल सॉल्ट कंटेंस मोर देन, क्या बोलो? मोर देन वन कैटायंस और एनायंस। हां वन कैटायन एनायंस और ना और एनायंस। हां और मोर देन वन एनायन। Okay, let me give one more example. FeSO4. Na mala aapko FeSO4 ferrous sulfate. And NH4 twice SO4 plus ye naam bolbe ammonium sulfate. Ha sir ammonium sulfate. Ek minute wapas likhta main. FeSO4 ये एक इंडिविजुअल एक सॉल्ट है और जब हम लोग क्रिस्टलाइज कर देते हैं तो दोनों सॉल्ट एक साथ क्रिस्टलाइज होते हैं FeSO4 एंड होते हैं तो हम कर सकते हैं NH4 ट्वाइस SO4 तो ये दो सॉल्ट एक ही आपको क्रिस्टल लगेगा 6H2O। तो क्लास जब पानी में डालोगे तो दोनों क्रिस्टल सेपरेट हो जाएंगे, FeSO4 सेपरेट होगा, NH4 ट्वाइस SO4 सेपरेट होगा। एनीबडी क्या कौन सा आंसर मिलेंगे आपको सोल्यूशन में? SO4 आया वो तो मतलब उसका रहता है सर उसका ऑक्सीडेशन नंबर, पर यहाँ पे तो सर नहीं था ना, लेकिन यहाँ पे नहीं, कहाँ पे नहीं था सर? वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन SO4 के पास 2 ना सर? SO4 के पास बता दो कैसे आ गया। व्हाट इज चार्ज ऑन NH4 प्लस 1 SO4 माइनस 2 बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? NH4 ट्वाइस SO4 आ गया ना, बराबर आ गया ना। व्हाट इज चार्ज ऑन Fe प्लस 2, व्हाट इज चार्ज ऑन SO4 माइनस टू, अगर रेशियो 1:1 है तो क्या होगा वो? FeSO4। ठीक है तो मेरा क्वेश्चन का डाउट क्लियर? बोलो हाँ या ना कुछ तो।
ठीक है क्लास, एनीबडी इसका नाम कभी सुना है कि इसने बेस नहीं है कभी, ये सॉल्ट का नाम सुना है कभी? नहीं सर। ओके याद रखो ये आपको केमिस्ट लैब में भी इसको यूज करना आपको प्रैक्टिकल में। चलते मोर सॉल्ट, चलते इसको मोर सॉल्ट, ठीक है इसका नाम है मोर सॉल्ट। ठीक है तो क्लास हमें डबल सॉल्ट नहीं सीखने क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री में, पर डबल सॉल्ट क्यों बचा आपको इसका रीजन बताऊंगा बाद में। तो क्लास में एक नंबर और लेता हूं अभी यहां पे। सर पहले आपने कुछ अलग नाम बताया था क्या? पहले आपने कुछ अलग नाम बताया था किसका? कार्नलाइट। अमोनियम सल्फेट। अरे ये ऊपर वाला कार्नलाइट है, ये वाला कार्नलाइट है नहीं, उस वो मोर सॉल्ट का दूसरा नाम बताया था, फेरस अमोनियम सल्फेट। हाँ फेरस अमोनियम सल्फेट और एक नाम है, दो नाम है मोर सॉल्ट को कॉमन बोलते हैं, उसका एक्चुअली केमिकल नाम फेरस अमोनियम सल्फेट है। ठीक है और भी कुछ बताया था मैंने? नहीं नहीं सर। ठीक है तो क्लास K4 एफिशिएंसी से हम पानी में डालोगे क्लास, अभी ये देखो दोनों में डिफरेंस देखते हैं हम लोग। अभी ये कंपाउंड देखो K4 एफिशिएंसी 6, इफ आई पुट दिस इन वाटर एनी गेसेस क्या मिलेगा आपको सॉल्यूशन में? एनी गेसेस करो, गेस करो क्लास, जैसे ऊपर वाला डिसोल्व होगा पूरा K प्लस। हां कितना K प्लस? कितने K प्लस? 4K प्लस। 4K प्लस। हां हां प्लस नहीं होगा आपको बताता हूँ। तो क्लास आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट डाला स्क्वायर ब्रैकेट राइट? हाँ सर। क्लास दिस इज दीज आर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, आपने जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो डिसोसिएट नहीं होता राइट टू अंडरस्टैंड, जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना वो डिसोसिएट उसके कटन अनायंस नहीं बनते, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये कैसा होगा डिसोसिएट आपको मिलेगा क्या? 4K प्लस जो ब्रैकेट के बाहर है वो होगा, जो ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा वैसा रहेगा। क्या मिलेगा आपको? Fe(CN6)4-। तो प्लस दिस स्पीशी व्हिच इज देयर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है जो सेपरेट एक दूसरे से नहीं होते एक्वियस सॉल्यूशन में, वी कॉल दैट स्पीशी एज व्हाट? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंपाउंड, या फिर हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स आयन। सर ये पूरे कंपाउंड को बोलते ना सर, वो जो अंदर है या पूरे को? कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का नाम है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बस ये देखो ये हो गया तुम्हारा, मैं बताता हूँ ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है ये तुम्हारा हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है अगर उस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज होगा, चार्ज है क्या यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर कोई? बोलो। हाँ माइनस फोर। माइनस फोर। हाँ तो अगर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज होता है तो उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का और एक नाम होता है कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन ठीक है, अगर ब्रैकेट चार्ज नहीं होता तो उसको सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। हाँ अगर चार्ज नहीं होता तो क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चार्ज होगा तो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल सकते हैं, पर अगर चार्ज होता तो कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं इसको। तो कॉम्प्लेक्स आयन कब बोलना है? अगर चार्ज होगा तो भी कॉम्प्लेक्स आयन बोलना है, या फिर जनरल क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ठीक है क्लास, ये सब बहुत, ये सब चीजें बहुत पूरा चैप्टर सीखना उसके लिए, मुझे एक्सप्लेन कर दे दो अब ये बनता कैसे और ये सब होता क्या है। तो क्लास अभी मैंने आपको दिखा यहाँ पे Fe। हेलो सर। हाँ बोलो सर। पिछले साल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करके भी था, तो फिर ये कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स दोनों सेम होते हैं क्या? हाँ सेम होता है, वही होता है, वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड, अदर नेम, अदर नेम फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कोऑर्डिनेट। तो सर अलग अलग क्यों दे दिया नाम? हाँ देते ना, बोलते ना एक चीज का दो नाम हो सकते हैं ना, तुम्हें घर में प्यार से पैर से कुछ बोलते रहेंगे ना, हो सकता है देते हैं क्या, अच्छा लगता है। ठीक है नो प्रॉब्लम, चलो वो अपना डिस्कशन नहीं है। तो क्लास मुझे था इस कंपाउंड में बताता हूँ मैं, यहाँ पे जो मैंने आपको डिस्कस किया था ये देखो, ये वाला कंपाउंड ये है दिख रहा है क्लास, यहाँ पे सेंटर में Fe है जो मेटल है राइट, और Fe के ऊपर चार्ज कितना है? +2 है। हम देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको हम लोग मेटल आयन, क्या बोलते हैं इसको? मेटल आयन या फिर
सेंट्रल मेटल आयन। प्लस सबसे पहला क्वेश्चन Fe plus 2 is Lewis acid or Lewis base? पहला क्वेश्चन सबके लिए लॉजिकल, ये Lewis acid है Lewis base है? प्लस ये Lewis acid है Lewis base है? क्विकली एसिड है, एसिड। वेरी गुड, रीजन बोलो। एसिड सो वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है। बराबर, पहले बराबर बोला था, लोन पे। हां Lewis acid बिकॉज़ इट कैन सर, लेकिन इसके पास प्लस 2 है तो मतलब सर ये देता है ना सर? अरे पॉजिटिव भाई लेगा, अरे लेगा ना भाई, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन देगा, देगा लेगा सर, लेगा ना, कैन एक्सेप्ट सर। लेकिन उसके बाद प्लस 2 तब आएगा ना जब वो सर देगा तो। हां तो मैं Fe की बात नहीं कर रहा, मैं Fe प्लस 2 की बात कर रहा जिसने ऑलरेडी दे चुका है। अच्छा अच्छा सो ओके, समझा? यस सर। हां गुड, तो क्लास हमारे पास ये Fe plus 2 है मेटल आयन, बराबर है? ओके, वी कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? उसको और क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं? लोन पेयर, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, बराबर है? हाँ, इलेक्ट्रोफाइल। क्लास CN माइनस नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है? ले सकता है। अरे दे सकता है यार, नेगेटिव है बेटा। अरे दे सकता है ना। अच्छा जो नेगेटिव है वो रिच है ना इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है सर, रिच है। अरे पूरा इलेक्ट्रॉन से उसमें सीखा हम लोगों ने, जो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, राइट? ठीक है, तो CN- इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो दिस इज इट कैन डोनेट, राइट? क्या pair of electrons, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Lewis acid, Lewis base, Lewis base होगा, Lewis base होगा ना, Lewis base, right? organic में क्या होता है इसको? nucleophile, 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 right? तो आपके पास यहाँ पे जो bracket में हमने compound लिखा था FeCN6-4, उसमें Fe है जो electron pair ले सकता है और CN है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता, राइट? तो क्लास माय क्वेश्चन इज, ओके CN कितना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है Fe को? 3 सर। कितना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है? आधा। देखो रुको, एक CN के पास एक CN के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट? तो 6 CN के पास कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हर एक CN Fe को एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, बराबर है सर? CN पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। अरे पर यहाँ पे कितने CN, कितने टोटल CN कितने हैं? 6 CN, 6 CN, हाँ। तो एक CN ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो 6 CN 3 देंगे। क्यों 3 देंगे, 6 देंगे। अगर एक एक देख सकता हूँ तो 6 कितने दे सकते है? अरे सर तो आपने इलेक्ट्रॉन पेयर बोला, मैं पेयर ही बोल रहा हूँ ना, पेयर ही देगा, ठीक है? तुम्हें ऐसे देखना है तो मैं बताता हूँ। तुम्हारा सी एन है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ, सी एन यहाँ पे माइक्रो लोन पे है, उसका स्ट्रक्चर है ये पैर है। समझ गया। ये टोटल नेगेटिव चार्ज की चीज है, समझा भी? हाँ समझा सर। चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ, चलो ये तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, लेट मी ये पूरा मिटा देते हम लोग। मैं तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, चलो Fe Cl6 एक दो बैलेंस शेल में 3, 4, 5, 6 और 7 बराबर सात। आराम से देखो, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा पहला लेक्चर थोड़ा आराम से जाएंगे। तो क्लोरीन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, राइट? इफ राइट सीएल माइनस क्या हो जाएगा? 2, 8, 7। हाँ, उसका चार्ज क्या आएगा? माइनस वन। माइनस। उसका इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं क्लोरीन के पास? अभी 8 हो गए। सॉरी 4। देखो चार पेयर है उसके पास, राइट? चार। तो एक पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर।
चार, तो चार में से कोई भी एक पेयर दे सकता है. देखो एक एटम से एक ही पेयर देता है, उसके पास कितने भी पेयर होने दो, याद रखो ये वन एटम कैन डोनेट ओनली वन पेयर, उसके पास 50 पेयर होने दो पर देते वक्त सिर्फ एक ही दे सकता है, याद समझा सब लोग को क्या बोला मैंने. तो सीएल क्या करेगा, एक सीएल एफई को एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, देगा एनीबॉडी क्लास बोलो कुछ तो यार. क्या सर देगा सर, एक सीएल माइनस एफई को एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा. हां एक ही देगा. हां एक ही देगा, तो क्लास कौन सा बॉन्ड देगा दोनों के बीच में सर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड. वेरी गुड, क्यों सर, बिकॉज़ इसके इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम का है क्लोरीन का. और Fe+ क्या कर रहा है, सिर्फ ले रहा है, बना रहा है Fe+2. तो जब बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एग्री? यस सर. हां तो क्या बनेगा, Fe और Cl के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, राइट? ठीक है, क्लास आपके पास कितने Cl है? 6 Cl. क्लास दूसरा Cl क्या करेगा, यहां पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, एक दो तीन चार, उसके पास है 6 और एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, वो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट? यस. ओके, प्लस तीसरा सीएल आएगा, ठीक है मैं इसको ठीक से लिखता हूँ. बस ये आपको पूरा एक ही लेक्चर में बताना इम्पॉसिबल है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, पूरा चैप्टर ही तो वही है. तो आपके पास सेंटर में एफई है, तो एक सीएल आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया एफई को, एफी का चार्ज प्लस पे माना अपना. ओके, दूसरा सीएल आया, उस सीएल और के ऊपर माइनस वन चार्ज है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया एफी को. तीसरा सीएल आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया. चौथा सीएल आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया. पांचवा भी आएगा. तो क्लास ये एक ही प्लेन है, राइट? पूरा एक ही प्लेन है, आपको समझता है, एक प्लेन सिंगल प्लेन. व्हाट इज बॉन्ड एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 360 by 4 90. चलो नो प्रॉब्लम, ये पूरा प्लेन है, बरा वन सिंगल प्लेन. ठीक है, बस टोटल कितने 6 है ना सीएल. हाँ तो प्लस एक सीएल ऊपर से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी मैं बोर्ड के ऊपर नहीं, पेपर के ऊपर लिखा, एक सीएल ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, राइट? अच्छा आउटवर्ड और इनवर्ड, हाँ समझा. हाँ एक पेयर ऊपर से देगा इलेक्ट्रॉन पेयर और एक पीछे से, नीचे से देगा, राइट? तो क्लास विद द व्हाट इज चार्ज ऑन एफी का चार्ज कितना था, प्लस 2 था, राइट? हां व्हाट इज चार्ज ऑन सीएल, सीएल पर माइनस 1 है, माइनस 1. हां तो क्लास व्हाट इज नेट चार्ज ऑन दिस पूरे एंटायर कंपाउंड, प्लस माइनस 2 माइनस 4 नहीं 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 माइनस 4 आएगा. एफी का चार्ज कितना, एफी का चार्ज प्लस 2, राइट? प्लस 6 इनटू माइनस कितना होगा, माइनस 4. तो ये जो ब्रैकेट, प्लस ये जो ब्रैकेट के अंदर पूरा कंपाउंड है, इसका और चार्ज कितना है, माइनस 4. माइनस 4 तो प्लस ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन. ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बन गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर. सर ये स्टेबल नहीं है ना, पर हां है, स्टेबल है. क्या स्टेबल है, क्या कैसे सर, पानी में डिसॉल्व होता ही नहीं, वो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने उसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनको तोड़ना मुश्किल है, स्टेबल है कंपाउंड ये. और क्यों स्टेबल है, तो हमें एक चैप्टर का एंड में पार्ट सीखना है, इसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, वहां पे सीखेंगे अभी. और पर इस पे तो चार्ज है ना. हां बताता हूं ना, बताता हूं क्यों स्टेबल है, बताता हूं. अब सुनो ये हो गया आपका, तो क्लास में इसको शॉर्टकट में लिखता हूं, कैसे लिखूंगा मैं, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Fe Cl6, राइट? और उसके ऊपर चार्ज कितना है, माइनस 4. तो आपको मालूम है एक्वियस सॉल्यूशन में सिर्फ कटाने आना नहीं हो सकता, राइट? तो ये सिर्फ निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए. तो क्लास 4K+ कितने, 4K+ इसके साथ हमेशा एसोसिएट रहेंगे, बराबर है सॉल्यूशन में. तो ये हो गया K4, तो ये ऊपर का चार्ज. अभी तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर क्लियर? हाँ सर. कंपाउंड में सर आपने क्या बोला, वो कि वो कैटायन एक साथ, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो
अकेले वो एनायन ये स्टेबल नहीं रहेगा ना तो तुम्हारा कंपाउंड बना दिया क्या बना कंपाउंड K4FeCl6 बराबर है Cl6 हाँ तो उसमें से अपना जो ये जो पार्ट है ये तुम्हारा हो गया क्या कॉम्प्लेक्स आयन बराबर क्या बन गया तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स आयन ओके या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट यस ओके okay. अगला उसको जो बैलेंस करता है बात है जो कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है उसको हम लोग सिंपल काउंटर आयन क्या बोलते हैं इसको काउंटर काउंटर आयन ओके मैं एग्जांपल और देता तुम्हें ठीक है देखो मैं अनायन चाहिए ना अभी एफी H2O6 plus Fe carbon plus 2 charge, right? What is charge on water? Anybody, what is charge on water? Zero. Zero, no charge, neutral right? Neutral. So Fe carbon plus 2 charge hai, aur water ke upar? Haan, zero. Zero charge hai. So ye pure bracket ke upar charge kya aega? H2. Plus 2, very good. Samjha sab log ko? Haan. So ye paani mein ion aisa rahega. Fe H2O6 raised to plus 2. Ye paani mein aisa ion rahega, right? तो क्लास वो जब सॉलिड होगा तो उसका कोई अनायन होगा या कटायन होगा इसका कोई अनायन भी होगा ना अनायन होगा ना हां तो क्लास ये कंपाउंड एक्चुअली सॉलिड स्टेट में ऐसा होगा Fe H2O6 और यहां पे SO4 कुछ भी चलेगा ठीक है SO4 ठीक है ये समझ तुम लोग को तो मुझे तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन क्यों बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं समझा क्या अरे ये कटायन के ऊपर चार्ज कितना है तुम्हें सल्फेट पसंद नहीं है यहाँ पे अगर क्लोराइड लेता तो क्या लेना पड़ता तुम्हें दो सीएल लेना पड़ता राइट क्यों एक प्लस सर मतलब सॉल्यूशन में कोई भी कैटायन और एनायन सिंगल नहीं रह सकते नहीं रह सकता कभी नहीं पॉसिबल नहीं है तुम्हें समझाइए पहला पार्ट हेलो सर हाँ बोलो सर लेकिन यहाँ पे भी जब एफ नहीं नहीं सर समझ गया नो प्रॉब्लम बोलो आराम से टेंशन मत लो मैं बताऊंगा ऐसा नहीं समझ सोचे सर ने नहीं सर वो गलती से ऐसा लग गया था कि वो H2O6 है ना तो मुझे लगा 6Fe2 कंपाउंड है गलती से हो गया नहीं 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 चलेगा समझा ठीक है नो प्रॉब्लम तुम लोग समझना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं सर हां बोलो सर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी यही है ना अरे बाप रे इतने दूर तक क्यों पहुंच गए आप पहले लेक्चर में नहीं सर यही तो है प्राइमरी वैलेंसी वो जो प्लस 12 कहां पे पढ़ा आपने वो पढ़ा था सर कोई तो चैप्टर में हाँ यही चैप्टर है पर ये बहुत आगे का पार्ट है चैप्टर का मैं बताऊंगा सिखाऊंगा प्राइमरी सेकेंडरी वाले वार्नर थ्योरी अभी कौन सा उसके लिए 8 घंटे और जाने चाहिए लेक्चर के अच्छा ठीक है आई एक्सप्लेन नो प्रॉब्लम हाँ हाँ तो क्लास हाँ ठीक है आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है तो क्लास में क्या बता रहा था आपको हाँ काउंटर है तो क्लास इफ आई पुट ए कॉम्प्लेक्स K4 हेलो सर हाँ बोलो 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 सर वो जो लास्ट एग्जांपल दिया था आपने हाँ उसे H2O के 6 मॉलिक्यूल्स थे ना सर बराबर हाँ तो 6 क्यों थे ना हाँ सर हाँ बताऊंगा वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा बताओ ना वाला ना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगा काम यहाँ पे अपना आयनिक कंपाउंड नहीं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो मुझे क्रॉस कोवलेंट देखो मुझे मीथेन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है क्या मीथेन में नो सर नहीं ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ पे करते हैं आयनिक कंपाउंड में करते हैं कोवलेंट कंपाउंड में नहीं करते ये कौन सा बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट नहीं आएगा ओके सर आई होप इट इज क्लियर हां तो यहां पे कर सकता है कैसे तुम्हारा के ऊपर कितना चार्ज है प्लस 1 प्लस 4 है और तुम्हारा एफी सीएन
सिक्स, फिर कितना चार्ज है माइनस फोर, यहाँ पे कर यहाँ पे चलेगा इसको, ये कंपाउंड आयनिक है, कटायन आयन मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, समझा, कंपाउंड में K4 एफिशिएंट 6 बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आयनिक कंपाउंड में करते, कोवलेंट कंपाउंड में नहीं करते। हाँ ठीक है क्लास, मुझे पूछना है आपको, अगर हम इसको पानी में डालेंगे राइट, आपको क्या मिलेगा बोलो, मतलब वो पार्ट पानी में क्या नहीं होता, डिसोसिएट नहीं हो सकता, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रहा 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 है, सर आपका आवाज नहीं, कोई है, हेलो हेलो मैं क्या बता रहा था कि अगर आपके पास वो जो समथिंग विच इज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट राइट, वो डिसोसिएट, क्या बोला मैंने, होता नहीं होता, नहीं होता सर, नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स आयन इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। हाँ तो क्लास, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लो, हम लोग आज थोड़ा ज्यादा नहीं बात करेंगे, तो क्लास कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लो, आपके सेंटर में होगा मेटल, सर वॉइस ब्रेक हो रहे हैं, सेंटर में आपके या तो मेटल, रुको जरा, हेलो अभी आ रहा है आवाज, हाँ सर आ रहा है, हाँ सर आ रहे हैं, हाँ क्या होता है मेटल आइटम सेंटर में आपके पास होता है, मैं ठीक है मैं लिखता हूँ ठीक से, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लो, आपके सेंटर में होता है मेटल आइटम या फिर मेटल आयन, मोस्टली मेटल आयन ही होता है, सेंटर था मेटल आइटम और मेटल आयन, तो क्लास में होता ऊपर के केस में कौन सा मेटल आयन है आपका, क्लास आप सिर्फ ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर की चीज की बात करो, ब्रैकेट के बाहर की चीज की बात मत करो, Fe2+ राइट सर, हमेशा मेटल ही क्यों होता है सर, बताता हूं ना, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करता है ना लिगैंड, सॉरी सेंट्रल मेटल आयन राइट, तो Fe2+, तो क्लास आपके सेंटर में हमेशा मेटल आइटम में मेटल आयन होता है, कभी कभी मेटल आइटम भी हो सकता है पर मोस्टली मेटल आयन होता है। हां अगला वो सराउंडेड बाय होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है राइट, किसके साथ, तो जिसके साथ भी बनाता है ठीक है, जिसके साथ बनाता है वो तो या तो क्या होता है नेगेटिव होता है, एग्जांपल कौन सा है हम लोगों ने, Cl- माइनस राइट, Cl- माइनस हां सर, या फिर Cn- माइनस देखा हम लोगों ने, या फिर हाँ। वो न्यूट्रल होता है, या फिर वो न्यूट्रल होता है जिसके पास एटलीस्ट वन आइटम कंटेन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस कोई एग्जांपल याद आ रहा है आपको, मैंने अभी दिया था, या तो वो न्यूट्रल आइटम, या तो वो न्यूट्रल होता है, या तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जिसके पास एटलीस्ट वन आइटम होता है विच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लास एग्जाम्पल सर वो CN, CN तो नेगेटिव हो गया रे, न्यूट्रल विदाउट माइनस, हाँ विदाउट माइनस, हाँ नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए, देखो या तो नेगेटिव वाला एग्जांपल हमने दो देखे राइट, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए आपके पास जिसके पास एटलीस्ट वन एटम कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्लास यहाँ पे जो एग्जांपल दिए थे हम लोगों ने
H2O है, परफेक्ट. याद है आपको Fe H2O6 का एग्जांपल लिया था हम लोगों ने. तो H2O में किसके पास लोन पेयर है बोलो? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास है H2O. कितने लोन पेयर है? दो है. मतलब होने कितने भी दो देते हो, कितना दे सकता है सिर्फ कोई? तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है. एटम के कितने भी पेयर होते हैं सकते एक ही दे सकता है. तो क्लास वो सब कंपाउंड जो है तो नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो मेटल के साथ क्या बना रहा है बोलो? क्या बना रहे मेटल के साथ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्लास उन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं लिगैंड्स. क्या बोलते हैं इसको बोलो? लिगैंड्स. तो क्लास से तो कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में दो चीजें होती है कंपलसरी. क्या? एक होता है सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन. और जो बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ या फिर नेगेटिव आयन के साथ क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. बॉन्ड जिनको बोलते हैं हम लोग लिगैंड. तो सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल. हेलो सर. हाँ बोलो सर. वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड को मतलब कोऑर्डिनेट लिगैंड, लिगैंड किसको बोलते हैं सर? मैं बात वही तो लिगैंड. देखो मैं तुम्हारे पास देखो यहाँ पे ये ऊपर दिख रहा है तुम्हें Fe6CN6 वाला. हाँ. तो यहाँ पे बता Fe दिख रहा है Fe. हाँ. इसको क्या बोलोगे तुम? उसका काम क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना. हाँ. वो कैसे करते हैं हम लोग कल देखेंगे. ठीक है. हाँ. ओके. उसको किसने सराउंड किया बोलो? क्लोरीन के अनायन. राइट. हाँ. सीएल माइनस. हाँ. वो क्या कर रहे हैं? उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, उसे ले रहे हैं. उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं. तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर देता है किसको? सेंट्रल मेटल आयन को. उसको बोलते हैं लिगैंड. सर तो फिर वो क्लोरीन को लिगैंड बोलेंगे या फिर उसका जो वो बॉन्ड है उसको लिगैंड बोलेंगे? नहीं, क्लोरीन को लिगैंड बोलेंगे. देख अभी क्लोरीन को लिगैंड बोलेंगे ना, क्योंकि क्लोरीन का कौन सा वो तो. हाँ. फिर तुम्हें एक चीज बताता हूँ एग्जांपल. वेरी गुड. तुमने जो क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर देता हूं मैं. तो मेरे पास साइनाइड, मेरे पास समझो है. एक मिनट. मेरे पास समझो NO2 मॉलिक्यूल है. NO2 ठीक है. NO2 माइनस. मैं तो लोन पेयर किसके पास? नाइट्रोजन के पास है. ऑक्सीजन के पास है. नाइट्रोजन दोनों के पास. दोनों के पास. नाइट्रोजन के पास भी है और ऑक्सीजन के पास भी. राइट. हाँ. तो लिगैंड कौन है? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ऐसे तो ऑक्सीजन होना चाहिए. NO2 माइनस लिगैंड है. ठीक है. अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो मैं बोलूंगा इस लिगैंड का नाइट्रोजन इज अ डोनर पार्ट. ठीक है. और ऑक्सीजन लिया तो बोलूंगा मैं ऑक्सीजन इज अ डोनर पार्ट ऑफ दैट लिगैंड. समझा? ओके. समझा सर. आई होप यू अंडरस्टैंड. सर मतलब NO2 माइनस पूरा ही लिगैंड है. हाँ. NO2 माइनस पूरा लिगैंड है. तो उस लिगैंड में से कौन सा आइटम इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उस आइटम को बोलते हैं डोनर आइटम. बोलते हैं हम लोग. क्या बोलते हैं इसको? डोनर आइटम. अभी क्लोरीन के पास बेचारा एक ही है तो वही लिगैंड और वही डोनर आइटम. समझा? हाँ समझा. हाँ. तो क्लास कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आपके पास क्या होता है? सेंटर में मेटल आयन बराबर है व्हिच इज सराउंडेड बाय व्हाट? लिगैंड्स. एंड बिटवीन मेटल आयन एंड लिगैंड देयर इज व्हिच बॉन्ड? देयर आर व्हिच बॉन्ड्स? कोऑर्डिनेट. कौन से बॉन्ड बनते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. और ये पूरा चीज हम लोग कहाँ पे रखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. राइट. और ब्रैकेट के ऊपर जो भी चार्ज आता है अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बैलेंस कौन करेगा? उसको कैटायन करेगा जो बाहर से आता है. अगर पॉजिटिव चार्ज आता है बाहर तो उसको क्या बोलते हैं? कैटायन को उसको बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन. बराबर है. तो अगर आपका ब्रैकेट आएगा पॉजिटिव तो आपके काउंटर आयन होंगे नेगेटिव. और आपका ब्रैकेट बनेगा अगर नेगेटिव तो काउंटर आयन होंगे पॉजिटिव. और ब्रैकेट पर चार्ज नहीं आएगा तो सोल्यूशन में काउंटर आयन होंगे नहीं. ऐसे भी कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे चार्ज जीरो हो जाता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर. लिगैंड मेटल और लिगैंड का मिला के चार्ज जीरो हो जाता है. तो उस केस में आपके पास काउंटर आयन नहीं होंगे. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको हम लोग. ठीक है. एवरीबॉडी. हाँ सर. हाँ ठीक है. तो बिफोर आई लीव यू आस्क अबाउट न्यूट्रल वाले का एग्जांपल दो ना. इसका न्यूट्रल वाले. ठीक है. ये लो, ये वाला एग्जांपल है. ये हम लोग को बहुत डिटेल में सीखना है न्यूट्रल वाला. NiCO6 यहाँ पे CO इज अ व्हाट इज CO? कार्बन मोनोऑक्साइड. व्हिच चार्ज ऑन कार्बन मोनोऑक्साइड? जीरो. नो चार्ज. दिस इज CO. CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड. हाँ. चार्ज नहीं है. व्हाट इज चार्ज कार्बन मोनोऑक्साइड? नो चार्ज. राइट. नो चार्ज. जीरो. ओके. व्हाट इज चार्ज ऑन एंटायर कॉम्प्लेक्स? व्हिच चार्ज निकालने कॉम्प्लेक्स के ऊपर?
नहीं चार्ज तो नहीं लिखा नहीं लिखा तो व्हाट शुड चार्ज निकल दे निकल पे मिल जाए जीरो होना चाहिए निकल के ऊपर भी चार्ज जीरो हां पूरा ब्रैकेट है सर कोई चाय नहीं राइट आई कॉल्ड दिस कॉम्प्लेक्स एज व्हाट दिस कॉल्ड अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स राइट इसके ऊपर कोई चाय नहीं ठीक है दूसरा एग्जांपल दे दो चलो सीयू अभी इसमें ये कॉम्प्लेक्स में सीयू के ऊपर प्लस 2 चार्ज है कितना चार्ज है प्लस 2 NH3 के ऊपर एंड सी डू टेल मी इस कॉम्प्लेक्स कॉपर के ऊपर प्लस 2 चार्ज है कैसे फाइंड करते हैं देखेंगे हम लोग व्हाट इज चार्ज ऑन अमोनिया एनी बडी चार्ज ऑन अमोनिया जीरो 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 व्हाट इज चार्ज ऑन टू अमोनिया जीरो जीरो व्हाट इज चार्ज ऑन क्लोरीन माइनस 1 माइनस व्हाट इज चार्ज ऑन टू क्लोरीन माइनस 2 माइनस 2 तो डू यू एग्री दैट कॉपर का प्लस 2 और दो क्लोरीन का माइनस 2 चार्ज न्यूट्रल हो गया हां यस व्हाट शुड बी चार्ज ऑन द ब्रैकेट Zero. 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 We don't show any charge. Means it is zero. So class this complex will be neutral complex. Agree? Yes. Sir. Okay. कुछ और पूछना आपको before I leave. No, sir. CU to zero कैसे है sir? CU to zero नहीं है. CU plus two वाले बोला मैंने. नहीं sir. Carbon monoxide पे charge zero कैसे sir? बताओ ना एक बार. क्यों? बड़ी चार. मजा था क्या होता है carbon monoxide पे charge? हेलो सर हाँ बोलो सर हेलो सर नहीं हाँ बोलो क्या हुआ सर इस चैप्टर के लिए 11th का वो जो है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वो आना ही चाहिए क्या आना चाहिए मॉलिक्यूलर मैं सिखाऊंगा टेंशन मत लो नहीं आ रहा है तो हम लोग रिवाइज करेंगे डोंट वरी ओके सर थैंक यू सर हाँ मुझे मैं अज्यूम करूंगा आपको आता नहीं अपने 11th में कुछ पढ़ा नहीं ऐसे अज्यूम करके सिखाऊंगा मैं हाँ सर ऐसे भी लेक्चर में बहुत मस्ती करते तुम लोग अगर वो कंपाउंड बनेगा तो ना यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है तू वापस आयनिक बॉन्ड का ये कर रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड है सीओ में आयनिक बॉन्ड नहीं है तो ऑक्सीजन माइनस टू कब कोवेलेंट में सर चार्ज कैसे ढूंढते हैं सर चार्ज कोवेलेंट में चार्ज होता किधर है कोवेलेंट कंपाउंड्स में चार्ज नहीं होता सर उसमें कैसे होता है कोलन कंपाउंड में चार्ज नहीं होता चार्ज किस पर आयनिक कंपाउंड में चार्ज आता है प्लस माइनस हां सॉरी कोलन कंपाउंड में चार्ज किधर आता है कोई भी देखा है कोलन कंपाउंड में चार्ज होता है तो फॉर्मल चार्ज बोलते हैं और न्यूट्रल चार्ज तो जीरो ही होता है मैं पूछा निकला रहेगा ये सही समझा यस सर आईडी पूछा लेक्चर सही बार ऊपर लेके जाओ ना सर बोलो और ऊपर नहीं सर हो गया बस